हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3, जिसमें यहां मोड देख रहे हैं, जिसमें जब भी क्लास लेंथ सेम ना हो या एक से ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी हो, बराबर, तब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला मोड का लगाना है। एमओ इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, बराबर, जिसमें यहां देखो 35 एग्जांपल यहां क्लास दिया है, क्लास लेंथ सेम है इसमें, पर इसमें क्या दिया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 72 टाइम्स दी है, बराबर। तो हम यहां मोड फाइंड डायरेक्ट कर पाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीन, उसके बाद मीडियम और उसके बाद मोड फाइंड करेंगे, बराबर। मीन के लिए यहां देखो दो कॉलम तो दी हुई थी क्वेश्चन में, पहले मीड वैल्यू फाइंड कर ली मीन के लिए, बराबर, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 करना है, सेम वैसे ही सब में, बराबर, 5-5 का गैप है तो 5-5 ऐड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद डी एक्स माइनस ए अपॉन सी, बराबर, एग्जैक्ट बीच में कोई भी अमाउंट है उसको ए एज्यूम कर लिया, बराबर, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और नीचे आएगा 1, 2 एंड 3, बराबर। उसके बाद एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 5 2 10, माइनस है तो माइनस लिखना है, 7 1 7, 0, 6 1 6, 7 2 14 और 3 3 19, टोटल कर दिया यानी 6, सिग्मा एफ आई डी आई एफ डी इज इक्वल टू 6। और ये यहां तक था वो मीन फाइंड करने के लिए, और मीडियम फाइंड करने के लिए हमें सी एफ फाइंड करना है, बराबर, 2 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 3 यानी 35, बराबर, यानी n इज इक्वल टू 35 लेना है, बराबर। तो पहले यहां देखो मीन फाइंड कर दे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू सी, a इज इक्वल टू जो हमने यहां लिया था ये लेना है 37.5, बराबर, सिग्मा एफ आई डी आई वो लेना है, क्या आएगा, जिसके एफ आई डी आई जो हमने यहां लिया था 6, n इज इक्वल टू टोटल 35 इंटू सी, क्लास लेंथ कितनी दी है 5, दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, 0.8571 दिया हुआ, यानी 85 तक लेना है, ये 71 है तो ये आगे बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, 6 हो जाएगा, बराबर। और ये दोनों को प्लस किया है यानी 38.3571, और यहां टू डिजिट में लेने यानी 7 लिखा है तो यहां क्या हो जाएगा, 6, बराबर, मीन हमें मिल गया 38.36। मीडियम फाइंड करेंगे, n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशंस, n इज इक्वल टू 35 दिया है, 35 अपॉन 2 करेंगे यानी 17.5, बराबर, और उसका ऑब्जर्वेशन यहां चेक करेंगे कि यहां किस में आता है, 19, उसके सामने वाला 35, और इसको f लेंगे और इसको क्या लेंगे, cf, बराबर। ये फॉर्मूला में m इज इक्वल टू l इज प्लस n अपॉन 2 माइनस cf अपॉन f इंटू सी, l इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट 35, बराबर, n अपॉन 2 जो आगे हमने फाइंड किया 70.5, cf जो मैंने आगे बताया 14 और f 5, क्लास लेंथ कितनी दी है 5, ये दोनों को माइनस करके इंटू 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे यानी 5 तो निकल जाएगा, ये माइनस करेंगे 33.5 प्लस 35 यानी 38.5, बराबर। अब मोड हम फाइंड करेंगे, एमओ इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, m की जगह 38.5, x बार की जगह 38.36, दोनों का मल्टीप्लाई 36.72, और यहां 38.5 इंटू 3, ये दोनों माइनस कर दे 38.78, बराबर, ये हमें मोड मिल गया, बराबर। सेम वैसे ही ये दूसरा सम करेंगे, सेम वही करना है, पर यहां मीन फाइंड कैसे किया, एफ एक्स वाले मेथड से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल से इसके डिवाइड कर दो तो मीन डायरेक्ट मिल गया, बराबर, उसमें डी आई वाली मेथड, इसमें एफ एक्स वाली मेथड। बाकी मीन फाइंड करने के बाद मीडियम फाइंड करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, एमओ मिलना है, बराबर, जिसमें यहां देखो 25 है, 25 इन दोनों के बीच में आता है, इसके सामने वाली एग्जैक्ट 3 आ जाता है, यानी एमओ भी क्या हो जाएगा, अले मीडियम 3 एग्जैक्ट मिल जाता है, क्लास इसमें आती नहीं है, बराबर। उसके बाद ग्राफ इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ थर्ड चैप्टर के नहीं आते,
बराबर सेकेंड चैप्टर के ग्राफ आते हैं, पर मोस्ट ऑफ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ग्राफ बना के एग्जैक्ट बड़ी जो अमाउंट है उसमें से यहाँ क्रॉस कर दो ऐसे, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर, एग्जैक्ट जो बीच में अमाउंट आती है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम मिल जाएगा, बराबर मोड मिल जाएगा। सेम वैसे ही दूसरे में वैसे ही करना है, पर ये ग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। उसके बाद 39 नंबर का सम दिया हुआ, लास्ट सम, द मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 25, फाइंड द मीन ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन बाय द फर्स्ट सबस्ट्रैक्टिंग 3 फॉर द 3, એટલે સબ માઇનસ કરના હે 3 એક્સ એન્ડ ધેન ધ ડિવાઇડ બાય ઇઝ 2, તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 માઇનસ કિયા ડિવાઇડ બોલા હુઆ હે 2 સે, તો 2 સે ડિવાઇડ કરના હે, એક્સ બાર કી જગહ હમને લિખના હે 25 माइनस 3 22 डिवाइड बाय 2 यानी क्या होगा 11, बराबर। डी इज इक्वल टू 50 माइनस 2b, बराबर। फाइंड द मीडियम ऑफ द प्राइस 11, फाइंड द मीन ऑफ द डिमांड। यहां क्या बोलेंगे, डी दिया हुआ है पी की वैल्यू, बराबर, जो 11 दी है तो वो रख के यहां हमें डिमांड मिल जाएगी, मीडियम ऑफ डिमांड 28। उसके बाद बराबर डिमांड यहाँ डायरेक्ट मिल गई, यहाँ पी की वैल्यू यहाँ 11 रख के यहाँ डिमांड 28 मिल गया। उसके बाद मोड, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज 8500, मोड दे दिया है, बराबर। उसके बाद कंपनी एज अ डिसाइड टू डिडक्ट 2% ऑफ द ईच एम्प्लॉय सैलरी फॉर द वेलफेयर फंड, फाइंड द मोड फॉर द अमाउंट ऑफ दिस फंड। तो यहाँ क्या करेंगे, 2% इंटू एक्स मोड के लिए, तो यानी 0.02x होगा, बराबर, यानी अमाउंट ऑफ द वेलफेयर फंड की अमाउंट मिल गई, जितने वर्कर्स है उसको एक्स एज्यूम किया है, बराबर। तो ये दोनों, ये एक्स इज इक्वल टू 8500 दिया हुआ है, बराबर, तो ये रखेंगे तो यानी 170 रुपीज, यानी हमारा मोड फॉर द अमाउंट डिडक्ट फॉर द वेलफेयर फंड क्या होगा, 170 अमाउंट होगी, बराबर।